नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बत्तीलाल और मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। COVID-19 चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। आने वाले भविष्य इसका बहुत ही बेकार होगा, जिसमें इंसानों को जलाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं छोटा भाई, मेरा जो छोटा भाई है उसको कोविड हो चुका है, उसको कोविड हो चुका है। अब वो बिल्कुल ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन वो रूम पे रहता था, बजरिया में रहता था, मेरे मकान से बाहर 10 किलोमीटर बाहर वो पढ़ाई करता था। वहाँ पे तो वहाँ पे रहता था वो। 1 महीने से कोचिंग बंद हो चुकी है और वो कमरे पे ही पढ़ाई करता था। उसके नॉर्मली खांसी जुकाम हुई थी। अब वो हॉस्पिटल चेकअप के लिए गया था तो उसने क्या उस दिन मास्क नहीं लगाया था, तो उसको वहाँ पर कोविड हो चुका था, उसको कोरोना हो चुका था। वो कोरोना की जांच करवा के आया। ये बात है 17 तारीख की दोस्तों। 17 तारीख को उसने जांच करवाई और उसका रिजल्ट आया 19 तारीख को। तो 19 तारीख को उसके पास जब मैसेज आया तो उसको कोविड हो चुका था। अब वैसे तो वो ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या एक छोटा सा मास्क लगाने में हमें इतनी दिक्कत आती है? दोस्तों मेरा कहना यही है, जैसे शरीर के निचले हिस्से पर हम कपड़े पहनते हैं, वैसे हमें चेहरे पे मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि जितनी इज्जत हमारी नीचे से है उतनी हमारी इज्जत अब चेहरे से रहेगी। क्योंकि नाक और मुंह अगर स्वस्थ रहेंगे तो अपना सब कुछ स्वस्थ रहेंगे। चेहरे पे अपन को मास्क लगाना ही चाहिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों। क्योंकि आज तो मैं सही समय पर संभल गया, अगर मैं 10 दिन लेट हो जाता तो वो बचना मुश्किल था दोस्तों। आज वो बिल्कुल ठीक है। आप लोगों की दुआओं से मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे दोस्तों, कुछ नहीं रखा, एक फैशन बना लो चेहरे पे रखने के लिए, मास्क लगाने का एक फैशन बना लो कि भाई ये हमारी फैशन है। जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं, नई कटिंग कराते हैं, नई दाढ़ी बनवाते हैं, तो ऐसे ही मास्क लगाने के लिए हमें फैशन रख लो एक चेहरे पर दोस्तों। कुछ नहीं रखा, ओनली 10 दिन में जान चल जाती है इंसान की कोरोना पेशेंट के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर कोई सुविधा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सुविधा नहीं है वहाँ पे ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई रूल है, कुछ भी रूल नहीं है। जैसे जा रहा वैसे करवा रहा, जैसे आ रहा वैसे करवा रहा दोस्तों। आपको आने वाले 10 दिन के बाद में आपको घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि इतना ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं अभी और इतना ज़्यादा कोविड फैल चुका है कि इसको संभालना बड़ी मुश्किल। इसको कम से कम 3 महीने के अंदर ये संभला का आएगा दोस्तों। कुछ नहीं रखा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कोविड के लिए आपको मास्क लगाना ही चाहिए। अगर उस दिन उसके मास्क होता तो आज मेरे घर में एक कोविड मरीज नहीं होता दोस्तों। ये तो भगवान का शुक्र है या ऊपर वाले का शुक्र है जो सही समय पर वो चेकअप करवाना चल गया दोस्तों। प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट मानिए यार, प्लीज़ मेरे मेरे गांव वालों से, मेरे ज़िले वाले से, मेरे सभी सवाई माधोपुर वाले से, मेरे भारतवासियों से, मैं सभी से ही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ यार मास्क जरूर लगाइए, इसको फैशन बना लीजिए मास्क को। अगर आपने फैशन नहीं बनाया तो ये आपको पहुँचा देगा, सही बता रहा हूँ मैं आपको। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, वैसे तो आज भी मैं जहाँ उसकी जाँचें करवा के लगाऊँ, जाँचों में 50% उसके फ़र्क है और कोविड उसको आने वाले 5 दिन के अंदर वो डॉक्टर बता रहे हैं वो नेगेटिव आ जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है, उसको अलग ही मकान के अंदर शिफ्ट कर रखा है, क्वारंटीन कर रखा है। वैसे घर पे ही रख रखा है मैंने, लेकिन अलग मकान पे है वो। तो दोस्तों उसकी रोज़ जांचें होती है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ख़तरा तो ही है मेरे दोस्तों। और ख़तरा इतना बड़ा है कि आने वाले टाइम में आपको ना तो गैस मिलेगी, ना ऑक्सीजन मिलेगी, ना आपको गाड़ी मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगी, आपको दवाई नहीं मिलेगी, आपको इंजेक्शन नहीं मिलेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा फैशन के लिए, एक छोटा सा मास्क के लिए, अगर हम अपने चेहरे को नहीं ढाँक सकते, अपने नाक मुँह को नहीं ढाँक सकते, तो हमारा जीना भी बेकार है दोस्तों। फिर तो हमें कोविड होना भी चाहिए दोस्तों। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यार। जय हिंद, धन्यवाद।